रिजोर्ट जो तोड़ा गया उसके किसकी सहमति से तोड़ा गया, क्योंकि जिस कमरे में मेरी लड़की रहती थी वो उसमें कोई सबूत ना सबूत रहा होगा। और एक एक बात और बोलना चाहिए, जब हम पटवारी से जब रिपोर्ट लिखने गए थे तो इसके जो है 18 तारीख को मेरी लड़की वहाँ से लापता थी 8:30 बजे के बाद। तो तब दूसरे दिन 19 तारीख को 4 बजे शाम को 4 बजे एक लड़के उसके फ्रेंड ने फ़ोन किया कि अंकिता वहाँ नहीं है। तो 19 तारीख 5 बजे मालिक ने पुनीत आर्य ने बोला कि आपके अंकिता यहाँ नहीं है। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला, उसके बाद यहाँ यहाँ के जब पता पड़ा, यहाँ थाने में गया, मुनिकीरेती गया, कोतवाली गया, उसके बाद लक्ष्मण झूला गया, फिर चीला चौकी गया। तो उन्होंने कहा ये पटवारी क्षेत्र के अंदर का आता था। तो वहाँ पता चला कि एक वैभव है वहाँ जो चा जो जो पटवारी था वहाँ का, तो उसको संदेह था, उसको संदेह हो गया, क्योंकि 19 तारीख दिन में होटल के जो जो ये मेन मालिक मैनेजर थे उसके पास गए थे। तो उसको उसको संदेह हो गया था कि कुछ इन्होंने गड़बड़ की। तो पटवारी जो था छुट्टी में गया, छुट्टी दी किसने इसे 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 छुट्टी गया तो लेकिन किसने दी, तो उसने दूसरे पटवारी को चार्ज में दिया, विवेक को दे दिया। तो 20 तारीख को जब वहाँ मैं 11:30 बजे के आसपास गया, तो मुझसे पहले जो है कुल मालिक होटल मालिक पुलकित आर्या, होटल मैनेजर सौरभ भास्कर और इनका असिस्टेंट अंकित और पुलकित की मिसेज और पुलकित के पिताजी विनोद कुमार वहाँ पहुँचे हुए थे। तो पटारी के साथ अंदर बैठे हुए थे, तो दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने कहा मुझे रुको। उसके बाद बाहर हम खड़े रहे, धूप में इधर उधर छत में घूमते रहे। तो 2.5 घंटे करीब आस पास हो गया। तो इन्होंने तब तक मेरे गुस्सा आ गया, मैं अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे रोक दिया कि रुको अभी। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर आ गया। फिर बाद में इन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया कि हाँ क्या, मैंने कहा मैं अंकिता भंडारी का पिता बीरेन सिंह भंडारी हूँ और मुझे कंप्लेंट लिखनी है। तो कहने लगे कि आपकी कंप्लेंट नहीं लिखूँगा क्योंकि आपसे पहले ये लोग आए हैं। मैंने कि इनकी कंप्लेंट लिख दी है। तो मैंने कहा मेरी कंप्लेंट भी लिखो, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर भी मैंने जो है उन तीनों के खिलाफ़ एक वहाँ पर शिकायत दर्ज की। तो मैं कहने लगा कि इसकी रिसीविंग मुझे चाहिए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। किसने मना किया? पटवारी ने, विवेक कुमार है तो उसने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर तब तक बीच में बोलने लगा कौन, ये होटल मालिक पुनीत आर्य, कि आप जो है मेरे स्पॉट में आए, होटल में आए, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ से, जो भी है वहाँ से सब पता पड़ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है हम स्पॉट में चलेंगे। तो 4:30-5 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे, पटवारी लेके वहाँ पहुँचे। तो पटवारी तो बोला नहीं वहाँ पे कि आप सीसीटीवी कैमरे ऑन करो। तो हमने बोला वहाँ कि आप सीसीटीवी कैमरे ऑन करो। तो कहने लगा कि 3 महीने पहले मुझे मेरा काम चल रहा है तो मैंने तारें काट रखी हैं। तो जब देखा तो उन्हें जगह जगह से तारें काट रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पे जब बहस शुरू हो गई तो वो पहले वो तीनों होटल मालिक, होटल मैनेजर और असिस्टेंट अंकित नाम का बहस शुरू हो गई। तो मैं तब तक चुपचाप रहा, मैंने कहा इनको बोलने दो। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो एकदम मुझे मानने के लिए तैयार हो गए। कौन? होटल मालिक, होटल मैनेजर और अंकित नाम का, ये तीनों पर मुझे पे गर्म खड़े उड़ गए। मैं भी खड़ा हो गया क्योंकि मैं भी गुस्से में था। होटल मालिक कौन? पुनीत आर्य। अच्छा। पुलकित आर्य, पुलकित आर्य। तो मैं भी गर्म हो गया। तब तक पटवारी ने बोले बैठो बैठो। तो कुछ मुझे पता था कि पटवारी भी इनसे मिला हुआ भगत है क्योंकि मैं एकदम समझ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास ईडियो वीडियो है बना रखी थी, जो जिन्होंने मेरे लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, ईडियो वीडियो 18 तारीख की बात हो। तो लड़कों ने, जो स्टाफ थे वहाँ, उन्होंने ईडियो वीडियो बना रखी थी। तो उन्होंने मुझे भेजा चुपचाप कर, मुझे मैंने नोट कर रखी है। तो मैंने सीधे गुस्से में पटवारी के कान पर लगा दिया। मैंने कहा ये सुन, अरे ये तीनों हैं आरोपी, ये तीनों हैं जिन्होंने मेरे लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। तो पटवारी का चेहरा, उन तीनों का चेहरा एकदम डाउन पड़ गया। उन्होंने कहा तो हम फंस गए। फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं ठीक है, मैं कोटदार इसको थाने में कोतवाल वहाँ ले जाऊँगा, तो वहाँ से बन के आएगी, फिर वहाँ पौड़ी आएगी, पौड़ी से फिर लक्ष्मण झूला आएगी। मैंने कहा मेरे लड़की उन तीनों ने किडनैप करके है, इसमें तो लंबा चौड़ा हो गया कार्य होगी। आइए क्राइम तक पर हम आपको उस अंकिता से रूबरू करवाते हैं जिसके टैलेंट के टीचर्स भी थे कायल। टॉपर अंकिता से लेकर रिजॉर्ट में जॉब करने वाली अंकिता की कुछ अनसुनी कहानी। अंकिता भंडारी हत्याकांड से मानो पूरा देश सुलग रहा हो। फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो।
ये आवाज उत्तराखंड से निकली तो भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक जा पहुंची। कभी निर्भया तो कभी कठुआ कांड, कभी उन्नाव केस तो कभी हैदराबाद डॉक्टर केस, कभी हाथरस तो कभी बिल्किस। अगर शिकार हुई तो एक बेटी, शिकारी ने नोचा तो वो भी एक बेटी। कब तक, आखिर कब तक एक बेटी यूं ही बलि चढ़ती रहेगी? ये सवाल अंकिता के दोस्तों समेत पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि आखिर उस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी क्यों हुई। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के गांव और उसके दोस्त ये मानने को तैयार नहीं है कि अंकिता भंडारी के साथ इतनी घिनौनी वारदात हुई है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की थी। इतना ही नहीं, लोगों की माने तो अंकिता बहुत ही मेहनती और हुनरमंद रही थी। टीचर्स की माने तो अंकिता दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहती थी। वो जब वहाँ मैं 11:30 बजे के आसपास गया तो मुझसे पहले जो है मालिक होटल मालिक पुलकित आर्य, होटल मैनेजर सौरभ भास्कर और इनका असिस्टेंट अंकित और पुलकित की मिसेज और पुलकित के पिताजी विनोद कुमार वहाँ पहुँचे हुए थे। तो पटारी के साथ अंदर बैठे हुए थे तो दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने कहा मुझे रुको। उसके बाद बाहर हम खड़े रहे, धूप में इधर उधर छत में घूमते रहे। तो 2.5 घंटे करीब आसपास हो गया तो इन्होंने तब तक मेरे गुस्सा आ गया। मैं अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे रोक दिया कि रुको अभी, मेरे पिता बीरेन्द्र सिंह भंडारी हूँ, मुझे कंप्लेंट लिखनी है। तो कहने लगे कि आपकी कंप्लेंट नहीं लिखूँगा क्योंकि आपसे पहले ये लोग आए हैं। मैंने कि कंप्लेंट लिख दी है। तो मैंने कहा मेरी कंप्लेंट भी लिखो, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर भी मैंने जो है उन तीनों के खिलाफ एक वहाँ पर शिकायत दर्ज की। तो मैं कहने लगा कि इसकी रिसीविंग मुझे चाहिए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। किसने मना किया? पटवारी ने, विवेक कुमार है तो उसने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर तब तक बीच में बोलने लगा कौन, ये होटल मालिक पुनीत आर्य, कि आप जो है मेरे स्पॉट में आए, होटल में आए, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ से जो भी है वहाँ से सब पता पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचे तो पटवारी ने तो बोला नहीं वहाँ पर कि आप सीसीटीवी कैमरे ऑन करो। तो हमने बोला वहाँ कि आप सीसीटीवी कैमरे ऑन करो। तो कहने लगा कि 3 महीने पहले मेरा काम चल रहा है तो मैंने तारें काट रखी हैं। तो जब देखा तो उन्हें जगह जगह से तारें काट रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पे जब बहस शुरू हो गई तो वो पहले वो तीनों होटल मालिक, होटल मैनेजर और असिस्टेंट अंकित नाम का, इन बहस शुरू हो गई। तो मैं तब तक चुपचाप रहा, मैंने कहा इनको बोलने दो। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो एकदम मुझे मानने के लिए तैयार हो गए। कौन? होटल मालिक, होटल मैनेजर और अंकित नाम का, ये तीनों पर मुझे पे गर्म खड़े उठ गए। मैं भी खड़ा हो गया क्योंकि मैं भी गुस्से में था। होटल मालिक कौन? पुनीत आर्य। अच्छा। पुलकित आर्य, पुलकित आर्य। तो मैं भी गर्म हो गया। तब तक पटवारी ने बोले बैठो बैठो। तो कुछ मुझे पता था कि पटवारी भी इनसे मिला हुआ वक्त है क्योंकि मैं एकदम समझ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास ऑडियो वीडियो है बना रखी थी, जो जिन्होंने मेरे लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। ऑडियो वीडियो 18 तारीख की बात ही हो। आखिर पंच तत्वों में विलीन हो गई अंकिता, वही अंकिता जो अपने सपनों को पंख देने उत्तराखंड के उन पहाड़ों को पार कर शहर की भीड़ में आई थी। उसने तो शहर को अभी ठीक से जाना भी नहीं था, अभी तो उम्र ही क्या थी, लेकिन भेड़ियों को ये सब कहाँ दिखता है। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी काल ने उसे अपने चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के साथ पढ़ने वाले दोस्तों ने बताया कि उसने साल 2020 में 12वीं की परीक्षा कॉमर्स स्ट्रीम से पास की थी। इतना ही नहीं बल्कि बीआर मॉडल स्कूल में पढ़ाई करने वाली इस लड़की ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। वो हमेशा से एक होनहार स्टूडेंट रही थी। अंकिता के दोस्त विवेक की माने तो अंकिता क्लास में टीचर्स द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब फौरन दे देती थी। यही वजह रही कि अंकिता सभी टीचर्स की हमेशा से फेवरेट स्टूडेंट्स रही थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरे स्टूडेंट्स की मदद भी करती थी। दरअसल अंकिता ने अपनी पढ़ाई गांव से ही पूरी की थी। आपको बता दें कि अंकिता का एक भाई भी है और उनकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती हैं। शुरुआत से ही परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसी वजह से अंकिता ने पढ़ाई के तुरंत बाद नौकरी करने की ठान ली थी। अंकिता के स्कूल के प्रिंसिपल भी अंकिता को तेज स्टूडेंट में मानते थे, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा ये तो किसी ने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। अंकिता ने साल 2020 में 88% मार्क के साथ स्कूल में टॉप किया था।
अंकिता के स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि अंकिता अब नहीं रही। बता दें कि प्रिंसिपल समेत सभी शिक्षक अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पर।